Hello students, now our today's topic is drawing a flower basket. So today I will explain you how you can draw flower basket easily. आप किस तरह से easily flower basket बना सकते हैं, draw कर सकते हैं, उसमें coloring कर सकते हैं. So let's start. Keep your book in standing position. Standing position में आप अपना book रख सकते हैं और स्टार्ट करना है हमें. सो पहले सबसे पहले हम एक बास्केट बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर हम फ्लावर्स और लीफ बनाएंगे. उसके लिए आप लोग अपनी बुक को स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है और स्टार्ट करना है आपको बास्केट बनाना. पहले हम यहाँ पर एक बास्केट बना लेंगे. बास्केट का हम कोई भी शेप ले सकते हैं. बास्केट बहुत सारे शेप्स की होती है, राउंड होती है, ओवल होती है. यहाँ पर हमने बास्केट का जो शेप है वो ऐसा लिया है. राउंड शेप, अगर कोई चीज़ हमें राउंड शो करनी है तो उसके लिए हम थोड़ी सी कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर की है. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करना है. अभी सेंटर में हम यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे, तो एक सर्कल बना लेंगे बड़ा सा. फिर उसके चारों साइड में पेटल्स बनाएंगे. एक फ्लावर हम उसके बराबर में और बनाएंगे. हमें बहुत सारे फ्लावर्स बनाना है. हम फ्लावर्स का शेप अपनी पसंद से कोई सा भी ले सकते हैं. ऊपर हमने कोई लाइन वाइन ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ डायरेक्ट फ्लावर्स बना रहे हैं. सेंटर वाला जो सर्कल है थोड़ा सा अगर हम बड़ा लेंगे तो हमारे चारों साइड में जो पेटल्स हैं वो बड़ी बड़ी आएंगी, तो इसलिए सर्कल थोड़ा सा बड़ा रखिएगा आप लोग भी. यहाँ पर हम लीव बना लेंगे कुछ.
हम यहाँ पर एक बर्ड भी बना देते हैं, उसके बाद फिर हम ये हमने बास्केट का हैंडल बनाया है। अभी हम बास्केट के अंदर ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल हमने यूज़ नहीं किया है, आपको भी स्केल का यूज़ नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग। पहले हम इसमें कलरिंग करना शुरू करते हैं, उसके बाद हम इसमें ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे और अपनी पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो कलरिंग के लिए यू कैन टेक एनी कलर विद योर ओन चॉइस, आप अपने चॉइस से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। वी आर टेकिंग पिंक, पिंक ले रहे हैं कलर, और येलो और रेड कलर। यहाँ पर हम येलो लेंगे, सेंटर में हम रेड कलर यूज करेंगे। सो वी आर टेकिंग रेड कलर, बाहर स्प्रेड नहीं होना चाहिए आपका।
Now another color, I am taking pink color. You can take any color with your own choice. आपको जो भी कलर अपनी पसंद से लेना है फ्लावर के लिए यू कैन टेक, आप ले सकते हैं, बस कलर बाहर नहीं आना चाहिए और कलर आपका कलर स्प्रेड भी नहीं होना चाहिए। Now I am taking yellow. हमारी जो बास्केट है एकदम कलरफुल है। यू कैन सी एकदम कलरफुल बास्केट बनाई है हमने।
Now we will do coloring in basket. We are using brown color for basket. Basket के लिए एकदम जो brown color है we are using. जब ये पिक्चर ड्राई हो जाएगा आपको उसका बॉर्डर करना है ब्लैक स्केच पेन से या ब्लैक मार्कर पेन से. अभी हम एकदम थिन ब्रश लेंगे थोड़ा एक वन नंबर का ब्रश और उससे हम इसकी जो स्टेम है और जो लीफ है उसमें कलरिंग करेंगे. सो वी आर टेकिंग वन और टू नंबर ब्रश फॉर कलरिंग स्टेम एंड लीफ.
इसमें आप और फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम लीफ में फास्ट फास्ट कलरिंग कर देते हैं, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो हमारी ड्राइंग है वो कंप्लीट है। सिर्फ ओनली लीफ आर रिमेनिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। तो आपको ऐसे ही बनाना है, एक फ्लावर बास्केट बनाना है और उसमें कलरिंग करना है और उसका पिक्चर हमें सेंड करना है। फ्लावर्स आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से बास्केट बनाना बहुत इजी है। सिर्फ आपको आपको जो भी बास्केट का शेप लेना है, जैसे बनानी है वो शेप रखना है और आपको बास्केट ड्रॉ करना है। सूख ड्राई होने के बाद, जैसे हमने आपको बताया ये कंप्लीट हो चुकी है, जब ये ड्राई हो जाएगी तब तो आपको अपनी पिक्चर को ड्राई करने के बाद बॉर्डर करना है ब्लैक स्केच पेन से। अगर आपके पास नहीं है तो मार्कर से करना है, वो भी नहीं है तो 0 नंबर का ब्रश लेके आपको
ब्लैक पोस्टर कलर से इसका आउटलाइन करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज़ सो ब्यूटीफुल और बनाने में बहुत ईजी है। आपने देखा हमने कितना जल्दी अपना पिक्चर कंप्लीट कर लिया। तो आपको ऐसे ही बनाना है और पिक्चर सेंड करना है। ओके, बाय बाय।